खूबसूरत था, लग किसी एंगल से नहीं था लग रहा कि ये वो है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन 450 करोड़ की लागत में तैयार हुआ, 300 कार्स, 850 बाइक्स की पार्किंग कैपेसिटी वाला रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका आज 15 नवंबर 2021 को इनॉग्रेशन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और अभी फिलहाल हम आ चुके हैं इस रेलवे स्टेशन पे, तो जो भी इस रेलवे स्टेशन के बारे में खास है, जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको इस रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेगी, वो सारी चीजें हम इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। बिल्डिंग देख रहे हैं ना, पूरी बढ़िया माला से सजा हुआ है, आज इनॉग्रेशन हुआ है इस रेलवे स्टेशन का। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस रेलवे स्टेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। वैसे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो एक के बाद एक हम सब चीजें दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे आपको इसी ब्लॉग। स्टेशन की एंट्री पर ही आपको रानी कमलापति की तस्वीर देखने को मिल जाएगी, जिसको बढ़िया जो है यहाँ पर फूल मालाओं से सजाया हुआ है। और ये है फर्स्ट लुक इस रेलवे स्टेशन का, आपको एंटर करते ही इस प्रकार से दिखने वाला है। सामने एक बहुत बड़ी LED डिस्प्ले लगी हुई है, वहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ और ही डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेन्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखें पूरे एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, आपको बिल्कुल भी चलने की जरूरत नहीं, सीढ़ियाँ बगल में सब जगह एस्केलेटर लगे हुए हैं। और इंटीरियर देखिए भाई साहब आप इस रेलवे स्टेशन का, कितना शानदार इंटीरियर है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं पूरे में रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर भी सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी तस्वीरें लगाई गई हैं। और यहाँ पर ये सिक्योरिटी वाली मशीन है, जिसमें कि आपका सारा लगेज वगैरह चेक किया जाएगा। और गेट से एंटर होते ही लेफ्ट साइड जो है आपको यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस और साथ ही टिकट काउंटर भी दिख जाएगा, जो कि सभी रेलवे स्टेशन पे होता है, लेकिन यहाँ का आप देखेंगे तो आपको अलग ही फील आएगी। दो ऊपर LED डिस्प्ले दी गई है, जिसमें अभी तो फिलहाल PM मोदी की ही वीडियो चल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही जब आप यहाँ एंटर होंगे ना, तो यहाँ पर जो है हर रिजर्वेशन विंडो पे एक डिस्प्ले लगी हुई है, जहाँ पर आपको अपने टिकट की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी जब आप यहाँ पर बुकिंग करा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आप रिटायरिंग रूम की भी बुकिंग अपनी करा सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको 36 बेड वाली AC डोरमेट्री भी देखने को मिल जाएगी, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और यहाँ से आप बुक कर सकते हो, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। तो चलिए अब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की साइड और दिखाते हैं आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर देखिए लिखा है कमिंग सून, यहाँ पर आपको फार्मेसी और कॉस्मेटिक्स की शॉप देखने को मिल जाएगी, मतलब आपको कुछ भी खरीदना है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन वगैरह या फिर अपना ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह, वो सब चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। बस कमिंग सून है, कुछ ही समय में ये भी ओपन हो जाएगा। और साथ ही आपको स्पा एंड सलून की फैसिलिटी भी यहीं पर मिल जाएगी इसी रेलवे स्टेशन पर। और ऊपर ही की साइड आपको एक कैफेटेरिया भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी खाना पीना है, चाय कॉफी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जो कैफेटेरिया है उसके बगल से ही आपको मध्य प्रदेश टूरिज्म की हेल्प डेस्क मिल जाएगी, जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो सभी बताएंगे आंटी जी। तो आंटी यहाँ पर जैसे कोई टूरिस्ट अगर आता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी इस रेलवे स्टेशन पे? यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ना, इन्फॉर्मेशन हम आईडी में रख दे सकते हैं, बुकिंग करवा के दे सकते हैं। अच्छा, कहीं भी अगर टूरिस्ट को जाना है तो उसकी आप पूरी बुकिंग करा के दे सकते हैं। और यहाँ पर आइटिनरी वगैरह भी आप लोग बनाते होंगे। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश टूरिज्म का हेल्प डेस्क है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो शेर वगैरह रखे हुए, यहाँ पर फोटोग्राफी भी लोग करवाते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपको कुछ हेल्प के लिए आपकी डायरीज वगैरह मिल जाएंगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ये देखिए जैसे हमने निकाला ये भोपाल का, तो भोपाल के में लिखा है थिंग्स टू डू, क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रीट फूड है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब हमने ये वाली किताब उठाई तो इसमें लिखा है मध्य प्रदेश टॉप साइट फूड एंड शॉपिंग, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से
पढ़ के देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पैम्पलेट्स और कुछ बुक्स हैं छोटी छोटी, आप इनको ले जा भी सकते हैं। तो भाई साहब काफी सारी पैम्पलेट्स और ये छोटी छोटी जो डायरीज है ना ये ले ली है, पढ़ेंगे बढ़िया आराम से घर जाकर। और आप आ रहे हैं आप भी यहाँ से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ चुके हैं अपन सेकंड फ्लोर पे इस रेलवे स्टेशन के, और यहाँ एंट्री करते ही आप देख ही रहे ना कितना खूबसूरत देखने को लग रहा है आपको, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप एयरपोर्ट में एंटर कर रहे हैं। सामने यहाँ पर दो आप LED देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। और यहाँ से अंदर आने के बाद आप कह ही नहीं सकते कि ये रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये इस तरह से लग ही नहीं रहा। देख रहे हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है, बिल्कुल आपको एयरपोर्ट वाली फीलिंग आने वाली है इस रेलवे स्टेशन पे। जैसे कि आज इनॉग्रेशन है इस रेलवे स्टेशन का, तो यहाँ पर कुछ सीनरी वगैरह लगाई गई है, पूरा सजा के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस रेलवे स्टेशन पे आपको करेंसी एक्सचेंज की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और अभी भोपाल मेट्रो का काम चल रहा है, और इस रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट मेट्रो कनेक्ट की जाएगी, ताकि आप मेट्रो से इस रेलवे स्टेशन पे डायरेक्ट आ सकें। और साथ ही इस रेलवे स्टेशन की जो रूफ्स हैं वहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं, ताकि इस रेलवे स्टेशन को जितना हो सके उतना इको फ्रेंडली बनाया जा सके। इस रेलवे स्टेशन पे आपको एस्केलेटर के साथ साथ लिफ्ट की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर भाई धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और मेल टॉयलेट मिल जाएगा आपको यहाँ पर, पब्लिक टॉयलेट मिल जाएगा, फीमेल टॉयलेट है, और दिव्यांगों के लिए भी एक स्पेशल टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर लिखा ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल है। ये सारे जो आप नल्स देख रहे हैं, जो टैप देख रहे हैं आप, ये सब पीने के पानी के लिए। ट्रेन के वॉशरूम तो हम आपको बहुत बार दिखा चुके हैं, अलग अलग ट्रेन के दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं इस कमलापति रेलवे स्टेशन का वॉशरूम, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का वॉशरूम। तो यहाँ पर ये देखिए पुरुष शौचालय, मेल टॉयलेट। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा बनाया गया है ये रेलवे स्टेशन का टॉयलेट। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ गीजर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, और साफ सफाई बहुत ही बढ़िया है, मिरर वगैरह बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर ये स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, तो थैंक यू आप लोगों को, इतना अच्छा आप लोगों ने सब जो है अभी मेंटेन है, और आगे भी उम्मीद, जी जी बिल्कुल आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से मेंटेनेंस बिल्कुल। तो ये जो हॉल देख रहे हैं ना आप, ये सभी प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप यहां से जा सकते हैं, यहां से डायरेक्ट जो है रास्ता जा रहा है। देखिए वहां पर मेंशन है प्लेटफॉर्म 2 और 3, 4 और 5, वैसे ही आप कहीं भी जा सकते हैं। और यहां पे एक नंबर प्लेटफॉर्म का रास्ता है, और यहां पर साथ में आपकी बैठने की पूरी व्यवस्था है, देख रहे हैं ना कितने सारे लोग यहां पर बैठ सकते हैं एक बार में। और ऊपर बड़े बड़े फैंस भी लगाए गए हैं। और जैसे कि आपने मॉल्स वगैरह में देखा है ना, एक छोटी बहुत ट्रेन रहती है, उसकी राइड्स बच्चे लेते हैं, एंजॉय करते हैं, वैसा ही आपको इस रेलवे स्टेशन पे देखने को मिल जाएगा। ये है वो टॉय ट्रेन, अभी इसमें जो भी फेयर वगैरह है वो डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या लगेगा क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है लोको पायलट बैठेगा इसमें, और यहाँ पर बच्चे बैठ सकते हैं बढ़िया। ये देखिए बना हुआ है छोटा छोटा सा। उसके बाद ये जो ट्रेन है ये पूरे उधर हॉल का एक चक्कर काट के आएगी और बच्चों को घुमाएगी, तो ये चीज हमको बहुत बढ़िया लगी। तो जब भी आ रहे हैं आप इस रेलवे स्टेशन पे, इसको जरूर ट्राई करना, अपने बच्चों को एक राइड दीजिएगा, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे उस पोस्ट को अपलोड करके हमें टैग करिएगा, ठीक है, हम अपनी स्टोरी पे लगाएंगे जरूर। तो ये आ चुके हैं अपन लोग रेलवे स्टेशन के सबसे महत्वपूर्ण एरिया में, जहाँ पर अपन ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन को डीबोर्ड करते हैं। तो साफ सफाई और मेंटेनेंस आप देख ही रहो कितना शानदार है, देखने में अलग ही। और यहाँ का लुक देख के लग ही नहीं रहा है कि रेलवे स्टेशन पे है, साफ सफाई हर चीज बहुत बढ़िया है भाई साहब, मतलब मजा आ गया देख के, इतना मस्त लग रहा है रेलवे स्टेशन सही में। यार आप लोगों ने एक दिया था ना वेस्ट रिएक्शन, वो रेल ज्ञान घोष ने जिस पे दिया था, नाम नहीं याद आ रहा वो मुझे। भी इतना मतलब कि वो सेकंड था, ये फर्स्ट है, ये तो मतलब 1 year वो किसी मेल के नाम से था, मुझे अभी याद नहीं है। और यार इतना खूबसूरत था, लग किसी एंगल से नहीं था लग रहा कि ये वो है रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन है वाकई। इस वीडियो में हमें इस रेलवे स्टेशन को क्लियर एक चीज वाकई देखने को मिली, डिटेल में दिखाई दी, और हम कह सकते हैं कि वाकई एक इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बार बार मुंह में एयरपोर्ट आता है, इतना खूबसूरत इतना शानदार बनाया। तो एयरपोर्ट्स भी नहीं होते, मैं ये कहूँ।